Can I be your superhero? सो हेलो पोके फैंस, वेलकम बैक टू द बर्न इट डाउन चैनल, जहां कर रहे थे हम पोकेमॉन ड्रीम्स रोम हैक का गेम प्ले। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में लार्सन को हरा दिया था और हमें जाना था एमरल्ड आइल। तो हम आ गए हैं सेंट्रालिस सिटी में। तो हम सबसे पहले यहां पर एक काम करेंगे, इस ट्री को कट करके इस जगह को डिस्कवर करेंगे, क्योंकि हम जब पहली बार यहाँ आए थे तो हमारे पास HM कट नहीं था। तो एक बार हम डेक्सनेव में देख लेते हैं यहाँ क्या पोकेमॉन्स है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी पोकेमॉन पकड़ना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, मगर हम जिस रीज़न के यहाँ पर आए हैं वो है यहाँ पर पड़ा हुआ एक मेल्टन, और यहाँ पर है आयरन हेड भी। और अब हम मेल्टन को पकड़ने का कोशिश करेंगे गाइस। तो मैं राका को स्विच कर लेता हूँ, बिकॉज राका के पास है हिप्नोसिस मूव जो स्लीप इंड्यूस कर देता है। और चलो कोशिश करते हैं मेल्टन को पकड़ने के लिए। ये मेल्टन एक तरह से थोड़ा बहुत डिटो जैसा ही दिखता है, थोड़ा बहुत ऐसे। और इसका इवॉल्व फॉर्म है मेल मेटल, जो यार ऐश के पास भी था, और ये एक मिथिकल पोकेमॉन भी है। सो गाइस, वी आर ट्राइंग टू कैच द मेल मेटल। सो गाइस, हमने फाइनली मेल्टन को पकड़ लिया है और ये चल गया है PC में। तो लेट्स कंटिन्यू द एडवेंचर गाइस। तो गाइस, अब हम निकल रहे हैं एमरल्ड आइल के तरफ। तो ओके, मैं रिपल यूज़ करना भूल गया। तो यहाँ पर आ गया एक वाइल्ड ब्रक्शिश, आई थिंक आई स्पेल दैट राइट। और ये एक साइकिक वाटर टाइप पोकेमॉन है, तो ये कम्पिटिटिव यूज़ में उतना खास है नहीं, सो आई एम नॉट कैचिंग इट। और ये इवॉल्व भी नहीं होता। सो यहाँ पर है एक TM गाइस, सो इट्स आयरन टेल। तो पिछले बार मिला था हमें आयरन हेड और अब मिल गया है आयरन टेल। अच्छा है, स्टील टाइप मूव्स हमें मिल रहे हैं, फेरी के खिलाफ हमें थोड़ी बहुत एडवांटेज मिलेगी। तो अब हम हैं रूट 21 में। सो गाइस, तो हमें जाना है एमरल्ड आइल में। ओके, तो यहाँ पर एक आइटम है जो है प्रोटीन, तो ये भी जाएगा लुकारियो के पास। सो गाइस, हमें जाना है एमरल्ड आइल में। तो मैं जल्दी से अपने एक बार, ओके, इधर तो जा नहीं सकते, तो मैं एक बार अपने मैप में चेक कर लेता हूँ गाइस, ये है कहाँ। सो अभी हम लोग हैं यहाँ पर, और ये तो इको ग्लेड्स हैं, ये है सी ड्रैगन फॉल, और हमें पूरा ये, अच्छा यहाँ पर है एमरल्ड आइल, मतलब हमें इतने डिस्टेंस को कवर करते हुए जाना है गाइस। सो लेट्स कंटिन्यू द एडवेंचर। और ओके, तो यहाँ पर एक मेगा इवोल्यूशन स्टोन है, ये है पीजियोटाइट गाइस। वाइट कलर के पोकेबॉल, यानी कि प्रीमियर बॉल में जो भी आइटम्स होते हैं वो खास करके मेगा इवोल्यूशन स्टोन्स ही होते हैं, तो वो थोड़े बहुत रेयर भी होते हैं, उनका मिलना काफ़ी ओके। यहाँ पर एक लाइट बॉल जो है पिकाचू का सिग्नेचर आइटम, ये कोई पोकेबॉल कैच करने वाला बॉल नहीं है गाइस, ये बस पिकाचू का स्पेशल अटैक को बढ़ाता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यार गैस्ट्रोडन को अच्छा हुआ था मैंने पकड़ लिया था, क्योंकि अभी तो यार पूरा रीजन सर्व करके ही निकलना पड़ रहा है। और यहाँ पर है एक स्क्रैप यार्ड, तो हम यहाँ पिछली बार आ नहीं पाए थे, तो इसलिए अब हमें मिल गया एक बीड्री लाइट गाइस। ये मेगा बीड्रिल में बनाता है बीड्रिल को, यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है मेगा बीड्रिल। मेरे पास काफ़ी सारे मेगा इवोल्यूशन स्टोन्स हैं और मेरे पास मेगा रिंग भी है, लेकिन मेरे टीम में अभी तक कोई ऐसा पोकेमॉन है ही नहीं जो मेगा इवॉल्व हो सकता है। देखता हूँ टीम में कुछ अदली बदली करने के लिए हो सकता। ओके, तो यहाँ पर है गाइस, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो यहाँ पर है इंडिगो लीग जैसा, यहाँ पर होने वाला है हमारा चैम्पियनशिप बैटल। ओके, तो इधर हम जा नहीं सकते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम है। तो अब हम लोग शांति से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। ओके, यहाँ पर एक आइटम है गाइस, और तो शायद यहाँ पर एक बैटल होगा। सो गाइस, हमने इसे भी आसानी से हरा दिया है, इन दादाजी को, और हमें मिल गया गाइस चॉइस काफ। या चॉइस काफ काफ़ी अच्छा आइटम है, ये आपकी स्पीड को डबल कर देता है आपके पोकेमॉन की, मगर आप एक ही मूव यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आइटम है ये गाइस, तो अगर मुझे कंपेटिटिव ट्रेन करना पड़े तो मैं ज़रूर इसे यूज़ करूँगा। और यहाँ पर एक आइटम जो है एलेक्सिर, ओके, लॉन्ग एडवेंचर्स के लिए ये आइटम अच्छा है। तो हम गाइस आगे कंटिन्यू कर रखते हैं, तो उस साइड तो जा नहीं सकते हम, यहाँ पर भी होगा शायद एक बैटल, तो इसे भी जल्दी से हराते हैं गाइस।
ओके तो यहाँ पर है एक फिशिंग क्लब, तो चलो यहाँ के मेंबर्स लोग से बात कर लेते हैं, हो सकता है इनमें से कोई हमें एक आइटम दे दे। अच्छा तो ये हमें मैजिकार्प, सबसे बिगेस्ट मैजिकार्प पकड़ने बोल रहा है, तो वी विल कंप्लीट दैट साइड क्वेस्ट। ओके तो यहाँ मिल गया नेटबॉल, या नेटबॉल अच्छा ही है, और इन दोनों से भी बात कर लेते हैं, हो सके हमें कोई एडवेंचर के लिए कोई इम्पॉर्टेंट आइटम दे दे। ओके दे आर नॉट इन अ मूड ऑफ गिविंग आइटम्स, तो ये लोग एकदम समुद्र के बीच में घर बना के यहीं पर ही रहते हैं, ऑब्वियसली दे आर फिशिंग क्लब तो यहीं पर ही घर बनाएंगे। ओके तो यहाँ पर भी एक रूम है, तो इससे भी बात कर लेते हैं। ओके तो ये हमें एक लैप्रस देगा मैजिकार्प को अगर हम ट्रेड कर ले तो गाइस अगर आपके पास कोई मैजिकार्प हो तो आप इससे ट्रेड करवा लीजिएगा इफ़ यू वांट टू गेट अ लैप्रस। और यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर भी एक फिशरी है, ऑब्वियस है यहाँ पर फिशिंग क्लब है तो सारे फिशरमैन्स ही होंगे यहाँ पर। और के गाइस इनमें से किसी भी आदमी ने मुझे कुछ दिया नहीं सिवाय उस रूम के अंदर वाले, हमें बस एक नेट बॉल मिला है, तो ठीक ही है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं बड़ी चालाकी से पैटल्स को इवेट करते रहूँगा। ओके तो यहाँ पर आ गया एक वाइल्ड पोकेमॉन जिसका नाम है श्रिम ट्यून, ये एक पोकेमॉन है गाइस, यार 40 लेवल का पोकेमॉन है यार। तो हम यहाँ पर डेक्सनेव एक बार यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर है ये तीन पोकेमॉन्स, सो इफ़ यू वांट टू कैच देम यू कैन कम टू दिस लोकेशन। और इस लैंड में यार ये तो हमसे बैटल करेगा लगता है, तो यार मैं इससे स्किप करूँगा। और यहाँ पर मिल गया एक एक्स अटैक, तो यार मैं तो बैटल आइटम्स यूज़ करता ही नहीं हूँ अपने गेम प्ले में, यार मुझे बैटल आइटम्स यार सही नहीं लगते, एक तरह से वो चीटिंग ही हो जाता है। तो एक बार हम अपने टाइम मैप को चेक करते हैं, सो हमें अभी भी काफ़ी रास्ता कवर करना है गाइस बाय यूजिंग सर्फ, तो आगे बढ़ते हैं। एमरल्ड आइल में भी शायद हमें मिलेगा अपना अगला जिम बैच। ओके तो हम लोग यहाँ से साउथ डायरेक्शन की ओर जाते हैं गाइस, ये आइलैंड में। ओके रिपेल ख़त्म हो गया, यार ये सुपर रिपल्स बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं अगर हम सर्फिंग कर रहे होते तो। ओके तो इधर तो हम जा नहीं सकते, लगता है हम लोग गलत डायरेक्शन में ही आ गए हैं गाइस, हमें उधर से ही जाना होगा, सो लेट्स गो फ्रॉम दैट वे ऑनली और देखते हैं इधर क्या है। ओके तो ये शायद हमसे बैटल करेगा, सो लेट्स डिफीट हिम और आगे बढ़ते हैं। गाइस सर्फिंग करने से मुझे हमेशा यार एस और लैप्रस की मतलब ऑरेंज आर्किपेलेगो वाली स्टोरी याद आ जाती है यार, उन्होंने तो पूरा ऑरेंज आर्किपेलेगो ही मतलब सर्फ यूज़ करके ही बिताया था, वहाँ पर कोई रूट ही नहीं था। ओके गाइस तो यहाँ पर हमें एक लैंड मिल गया है रूट 16 और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा हाउस, तो इनसे हम बात करते हैं। ओके तो ये हमसे लगता है हमारा बेरी टोफू मांग रहे हैं, सो लेट्स गिव देम एंड ही गिव अस अ रिटर्न गिफ्ट जो है पीपी मैक्स। ओके पीपी का मतलब अलग चीज़ मत सोच लेना गाइस, पीपी का मतलब होता है पावर पॉइंट। और इसने हमें दे दिया एक टीएम साइकिक, सो गाइस अगर आप इस जगह पर आओ तो यार बेरी टोफू दो बेरी टोफू ला लेना यार, तुम्हें वो वाले शहर में मिल जाएगा जिस शहर में यार सफारी जोन था। ओके तो यहाँ पर हम अपने पोकेमॉन्स को हील कर सकते हैं गाइस, सो लेट्स हील देम। और यहाँ पर एक पीसी भी है गाइस, यानी कि एक छोटा मोटा पोकेमॉन सेंटर ही है लगभग, तो ये हमसे कुछ बात कर रहा है। ओके गाइस तो इसने भी हमें से एक बेरी टोफू ले लिया है और दे दिया हमें एक ऑडियो नाइट। सो गाइस तो तुम अगर इस आइलैंड पे आओ ना तो बेरी टोफू लेके ही आना, मैं दिखा देता हूँ बेरी टोफू कैसा दिखता है। यार असल में बेरी टोफू एक बहुत ही अच्छा हेल्ड आइटम है, देखो तो ये बेरी टोफू तुम लोग ला लेना यार, तीन ला लेना, तुम्हें मिल जाएगा साइकिक पीपी मैक्स और एक ऑडियो नाइट। यार मुझे इतने सारे मेगा इवोल्यूशन स्टोन्स मिल रहे हैं लेकिन यार कोई भी मेरे काम के नहीं है, मतलब ढंग के कोई नहीं है। तो इस तरफ तो हम यार आ चुके थे, तो अब हमें इस आइलैंड के ऊपर चढ़ना होगा शायद, तो इससे तो हम बैटल कर चुके हैं इसलिए ये हमें वापस चैलेंज नहीं कर रहा, तो आगे बढ़ते हैं। और इस ये यहाँ पर लगता है छोटा मोटा आइलैंड है। ओके लावा कुकी, यार लावा कुकी अच्छा है, एक सस्ता फुल हील। और यहाँ पर एक बैटल होने वाला था तो मैंने उसे स्किप कर दिया। और इस आइलैंड के पोकेमॉन्स भी यार अच्छे ही हैं, अगर तुम्हें इनमें से कोई भी पोकेमॉन पकड़ना हो तो तुम आ जाना यार, यहाँ पर केकलियन भी है तो यार मैं उसे कैच करने की कोशिश करूँगा। ओके तो यहाँ पर होने वाला एक बैटल और ये तो रॉक टाइप पोकेमॉन ही यूज़ करेगा, तो मैं यार रुद्र में स्विच कर लेता हूँ
यार मेरा पोकेमॉन टीम के लेवल्स यार बहुत ही ऊपर नीचे हो गए हैं यार। राका कहाँ 49 में, तो अंगार 54 लेवल का हो गया है। ओके तो इससे अब हम हरा चुके हैं गाइस, और यहाँ पर है ओके एरोडक्टलाइट, यानी कि मेगा एरोडक्टल हमें मिल सकता है, पर पहले एरोडक्टल तो मिल ले फिर मेगा एरोडक्टल मिलेगा। तो मैं यहाँ पर यार कैकलियन को सर्च करने की कोशिश करता हूँ, कि क्योंकि कैकलियन यार बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, और हो सकता है मैं उसे HM स्लेव की तरह यूज़ कर लूँ, क्योंकि वो लगभग सारे पोकेमॉन मूव सीखता है, जैसे स्मियरगल होता है। कुछ कुछ पोकेमॉन्स होते हैं यार जो मतलब बहुत सारे पोकेमॉन मूव सीख सकते हैं थ्रू TMs एंड HMs, जैसे कि स्मियरगल होता है, पॉलीगॉन हो गया, उसी तरह कैकलियन भी है। तो यार मैं इस पर सीधा एक क्विक बॉल यूज़ करता हूँ, और शायद ये कैच हो जाएगा यार क्विक बॉल। ओके क्विक बॉल में कैप्चर हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैच पोकेमॉन्स लाइक अ प्रो, एक पोके बॉल में कैप्चर। तो यार क्विक बॉल यार बहुत ही अच्छा पोके बॉल है, मैंने यहाँ तक कि काफ़ी सारे लेजेंडरीज को भी क्विक बॉल से ही पकड़ लिया था, तो इट्स ओके। और अब हम लोग इस आइलैंड से कूदते हैं लाइक अ हीरो, और आगे बढ़ते हैं अपने गेम प्ले में। तो अब हमें यहाँ से किस डायरेक्शन में जाना है, पर उससे पहले मैं यार अपने पोकेमॉन्स को थोड़ा बहुत हील कर लेता हूँ, क्योंकि उस रॉक वाले आदमी ने यार थोड़ा बहुत टफ बैटल दिया मुझे। और मैं एक बार पीसी में कैकलियन को भी चेक कर लेता हूँ कि उसके पास क्या क्या मूव्स हैं। तो लेट्स सी, उसके पास है कलर चेंज एबिलिटी और एंशिएंट पावर / कैमोफ्लाज और शेडो क्लॉक। सो ठीक ही मूव सेट है यार, बाद में मैं उसे ट्रेन करके सही सही मूव सिखा दूंगा इन द फ्यूचर गेम प्ले। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और ओके इधर तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो हमें जाना होगा इनटू द राइट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट। तो यहाँ होगा एक पोकेमॉन बैटल, तो इसे भी हम लोग जल्दी से हराते हैं और आगे बढ़ते हैं। यार रिपेल यार हमेशा ख़त्म ही हो जाता है। तो रूट 17 में आ गए हैं हम, तो देखते हैं यहाँ से आगे बढ़ के। और ओके तो यहाँ पर एक मार्बल रॉक आ गया है गाइस, सो लेट्स चेक इट आउट, सो वी कैन मूव अहेड। और अब हम लोग को यहाँ जाना है गाइस, मैं मैप को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एक ही रास्ता है यहाँ से जाने का, मगर यहाँ पर है ये रास्ता ब्लॉक्ड, और शायद यूज़ करना होगा हमें डाइव। और जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें मिलती है लायर, सो लेट्स टॉक टू हर। विंस फॉरगॉट समथिंग, ओके तो फाइनली विंस ने यानी कि वाइपर ने हमें HM डाइव दे दिया है, तो अब शायद हम एमरल्ड आइल जा पाएंगे गाइस। सो गाइस हमें लायर विंसेंट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ही वॉज अ गुड गाई, और वो तो हमें पता ही यार, उसने अपना स्टोरी हमें ये क्या नाम है प्रोफेसर कॉनिफर के लैब में हमें तो बता ही था कि वो अच्छा आदमी था, और गार्टर और कोबरा ने ही टीम कॉयल को स्टार्ट किया, तो यार ये हमें पता है। तो यहाँ पर गाइस हमें यूज़ करना है डाइव, और हम पहुँच गए हैं अंडर वाटर। तो यहाँ का एनिमेशन यार काफ़ी अच्छा है, एमरल्ड गेम्स जैसा तो नहीं है, थोड़ा नया चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया गया है। तो डाइव वॉल हमें मिल गया है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। ओके तो शायद अब हमें ऊपर जाना है, सो लेट्स गो अप बाय यूजिंग डाइव। और हम पहुँच गए हैं गाइस मार्बल रॉक नाम की जगह पर। तो यहाँ पर एक लैडर है, तो इस तरफ से तो मैं जाऊंगा नहीं, आई विल ओके तो यहाँ पर दो लैडर्स है गाइस, सो वी विल क्लाइम थ्रू दिस वन लैडर। और यहाँ पर दो लेजेस हैं, तो देखते हैं इन्हें पार करने से क्या होता है। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ एक सुपर रिपेल, और यहाँ पर यार स्लोब्रो भी है यार, तुम में से अगर किसी को स्लोब्रो चाहिए होगा तो यहाँ पकड़ लेना। ओके हमें मिल गया एक मेडिचमाइट, यार बहुत ही स्ट्रांग पोकेमॉन है मेगा मेडिचम, और इस साइड में था TM HH। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं थ्रू दिस लैडर और मार्बल रॉक। यार ये जगह काफ़ी वाइड दिख रही है, पता है मुझे मार्बल की बनी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ्लैशेस यूज़ किए गए हैं। और गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं एमरल्ड आइल में, यार काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय किया है। तो अब हम अपने अगले एपिसोड में एमरल्ड आइल को डिस्कवर करेंगे, क्योंकि यार ये एपिसोड पहले ही काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।